हाय कृष्णा, आप सभी का जो है आज के ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी जो है मैंने नहा लिया है और अभी बजे हैं 4:05 बजे। तो अभी मैं नहा धो के अभी मैं तिलक करने वाला हूँ। अभी तिलक करने बाकी है, फिर उसके बाद जो है मैं मंदिर के निकल जाऊँगा। तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का जो है आज का दिन बहुत अच्छा जाए, क्योंकि मकर संक्रांति आज भी है और कल भी है। तो आप सभी को जो है मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तेढ़ गुड़ खा गोड़ गोड़ बोला। तो चलिए हम लोग पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। तो सभी लोग जो है तैयार हो जाइए भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। हरे कृष्णा। लग भी लग गए, आरती लगाने के बाद एकदम स्पेशल फील हो रहा है। तो जो है आप लोग भी जब भी अभी ये स्टार्ट चालू करोगे तो भगवान की कृपा आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। और तिलक से जो है हमारे शरीर पे कवच होता है भगवान का, तो मैंने कवच बना लिया है। तो मैं जो है जो मैं नेगेटिविटी है उससे मैं दूर हो चुका हूँ। तो चलो फटाफट जो है अभी जाना है, ठंडी भी बहुत है यहाँ। भगवान की जय। हमारे शालिग्राम जी जो है थक चुके, कल पुष्पांजलि था तो लेट हो रहा है लगता है। इसलिए एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना होता है हमें फटाफट एक्सरसाइज करके अभी थोड़ा सा फ्रेश, थोड़ा सा बॉडी में थोड़ा आलस रहता है ना, तो अच्छे से दूर हो जाता है, ताकि फिर हम लोग मॉर्निंग की जो साधन है अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं पहुँच चुका हूँ तो बापा के एवरी डे दर्शन हो जाते हैं, नरसिंह भगवान के दर्शन हो जाते हैं। अभी जो है रोज की तरह यहाँ पे अंधेरा है। और ये देखो हमारे बिल्डिंग के नीचे बार बार की गाड़ी है, पार्किंग के लिए जो है जगह ही नहीं है। तो इस तरह का वातावरण रहता है और ठंडी है। तो बस भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग जो है इसी तरह जल्दी जल्दी उठना स्टार्ट कीजिए और भगवान की भक्ति करना शुरू कीजिए। तो चलिए फटाफट हम लोग अभी जाते हैं भगवान का दर्शन करने।
गई आज फॉर लाइफ। ओह जय जय जय। तो आज मकर संक्रांति आप देख रहे हो, आज 14 जनवरी है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पे आज कल दोनों दिन महाप्रसाद वितरण होगा। जय सब आइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, प्रसाद सर्व कीजिए और प्रचार। जय जय जय। थैंक हरे कृष्णा। तो देखिए बहुत सुंदर सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप सब लोग भी सेवा में जुड़िए और इसका आनंद लीजिए। हरी बोल। तिलगुड़ क्या गुड़गुड़ बोला तो तिल के लड्डू है, अभी हम लोग इसको भोग लगा के खाएंगे अच्छे से। जय जय। तिल गुड़ खा अनि गुड़गुड़ बोला। तो जो है आज के दिन जो है तिल के लड्डू खाने का बड़ा लाभ है, शुभ है, तो आप सब लोग खाइए और को भी बांटिए। तो चलिए हम आज के दिन बहुत सारी चीज़ें करने वाले, तो क्या क्या चीज़ें हुई थी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप पढ़ी वाल्मीकि कृत रामायण, भगवान राम की कथा। तो चलो इसकी शुरुआत करते हैं। तो अभी बज चुके हैं 9:50। तो हम पढ़ रहे हैं वाल्मीकि कृत रामायण। तो भगवान की जो भी लीलाएँ हैं, तो उस लीला के बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं। हम मैं शॉर्टकटली बताऊंगा ऐसे, तो जो है इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते कि आपका जो है कल का दिन अच्छा जाए। और जो मैंने कहा है कि हर रोज़ रात को सोने से पहले क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, सबको माफ़ कर देना चाहिए और किसी के बारे में कुछ भी ऐसा द्वेष नहीं रखना चाहिए। बस ये चीज़ें आप कंटिन्यू कीजिए। तो इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।